हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड आयोग की नई भर्ती के रिगार्डिंग न्यू अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर 1,000 से ज़्यादा पदों पर आपकी नई पोस्ट आने वाली है। आयोग के बाद अध्यक्ष चले गए हैं। चलिए जानते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है, कब तक इसकी विज्ञप्ति निकलने। यहाँ पर जो है 1,037 पदों की नई भर्ती आपको देखने को मिल रही है और उत्तराखंड में जूनियर इंजीनियरों की भर्ती अब आपके यहाँ पर देख रहे हैं। विभागवार जो है मांगा गया जो ब्यौरा है वो कहाँ कहाँ पर कितने कितने पद हैं देखते हैं। और इसमें जो है डिप्लोमा धारी जो युवा हैं इसके लिए बड़ी खबर है, क्योंकि यहाँ पर जो बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। इसमें बताया गया है कि कनिष्क अभियंताओं की जेई की पोस्ट है 1,037 पदों की पोस्ट। इसमें देखिए कहाँ पर कितनी कितनी पोस्ट हैं वो भी विभागवार दे रखा है। जैसे आपको शहरी विकास में है 32 है, लो नेवी में 252, सिंचाई में 138 है और लघु सिंचाई में 46 है, ग्रामीण निर्माण में 201 है, कृषि में अब 37 है, आवास में यहाँ पर 140 है, पंचायती राज में 41 है, जल संस्थान में यहाँ पर 79 है, पेयजल निगम में 62 है, ऊर्जा में 9 है। टोटल 1,037 पदों की पोस्ट है। और इस पर बताया गया कि प्रोफेसर धामिन के अनुमोदन के बाद जो है कार्मिक और सत्र विभाग के अपर सचिव ललित मोहन रयाल ने भर्ती का प्रस्ताव लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। तो आयोग पहुंच चुका है लोक सेवा आयोग में और आयोग की इस भर्ती में जो यहाँ पर घपला सामने आने के बाद इसी साल जो है भर्ती निरस्त कर दी थी। और उधर जो है आयोग के सचिव नीता सिंह रावत ने बताया कि भर्ती के प्रस्ताव मिलने की पुष्टि की है, तो ये भर्ती मिल चुकी है।